और देखे भाई एक्शन दे रहे सामने मानो जी कुछ एक्शन देखे अच्छा बोल दे पॉकेट से हाथ निकाल के कुछ एक्शन पॉकेट से अरे एक्शन करते नाची क्या भाई एक बार और कर चलो 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 सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है इस फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और साथ ही बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी से लेकर कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से बात की। आज सुशांत सिंह के तीसरे पुण्यतिथि है उस पर भी मनोज वाजपेयी कुछ कहते हुए नजर आए और साथ ही तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आए। सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो के जरिए। बहुत बढ़िया। अब आप लोग अब स्टील वाला लोग थे छोड़ देवे और लोग खाते हैं तो नहीं वो लोग खाते नहीं के भाई बंधु लोग चले जाए चला जाए। कौन कौन सवाल कर रहे हैं सर? तबीयत ठीक है? नहीं है, है? नहीं है। अब क्या करें? आपका भी काम करना है। सब बोल रहे बिहार की मिट्टी में खुशबू होता है तो क्या हो गया बिहार का? बिहार से कहाँ भइल? ये कहीं और से लेके आएंगे। बिहार में तो ठीक हो जाएगा है ना? हमेशा जो है किसी भी परिवर्तन की शुरुआत में एक ही आदमी तय करता है कुछ बदलने के लिए और बाद में सब लोग जो उस पर उसके फिलॉसफी में उसके आदर्श में विश्वास रखते हैं वो धीरे धीरे उसके साथ आते जाते हैं। शुरुआत हमेशा एक ही आदमी करता है। ये फिल्म आपकी पहले ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है और अब बड़े पर्दे पे आ रही है तो ऐसा बड़े पर्दे पे आ चुकी है। बहुत सारे छोटी छोटी जगहों पे सिंगल स्क्रीन पे ये फिल्म रिलीज भी की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दर्शकों की भारी डिमांड पे सोशल मीडिया पे उनके डिमांड भरे हुए थे कि ये फिल्म देखने के बाद उनका मन नहीं भरा था क्योंकि उनको लगा कि ये बड़े फिल्म पर्दे की फिल्म है। चूँकि मल्टीप्लेक्सेज ओटीटी की फिल्म को जब अगर वहाँ रिलीज हो गई हो तो मल्टीप्लेक्सेज में नहीं दिखा सकते उसके कारण हमारी अपनी लिमिटेशन थी। इसलिए हमने सिंगल स्क्रीन पे जहाँ जहाँ स्क्रीन मिला हमने इसको वहाँ पे रिलीज़ किया और वहाँ पर भी ये फिल्म बड़ी अच्छी जा रही है। लोग जाकर के देख रहे हैं। ये इस फिल्म की भारी सफलता है। जितने कम समय में इसने दर्शकों इतने सारे दर्शकों को अपनी तरफ ये फिल्म लेके आई ओटीटी पे ऐसा एक कहते हैं कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक है। कितने सिनेमाघरों में रिलीज होगी? हो चुकी थी, हो चुकी है, 30 में है अभी इसको रिलीज। कौन सी तारीख को हमने रिलीज़ किया था? 23 मई को रिलीज़ किया था हमने ओटीटी पे। उसके दो हफ्ते के बाद सिनेमा हॉल में आ गई थी। यहाँ पर भी कृष्णा में चल रही थी, कृष्णा में। सर दर्शकों को ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? क्या इसका उद्देश्य है? इस फिल्म का क्या उद्देश्य? देखिए फिल्म अच्छी है, सबसे पहली बात कि फिल्म अच्छी है और सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें जो बाल सुरक्षा को लेकर के समाज को जागरूक करने के बहुत सारे इसमें का जो सबसे गंभीर मुद्दा है उसको बड़े कमाल के ढंग से इसको स्क्रिप्ट में लेके आया गया है और जो कि फिल्म में भी दिखाई देता है। एक अच्छी कहानी है जो पूरे परिवार के साथ बैठ के देखी जा सकती है। अच्छी फिल्म है और दर्शक हमेशा अच्छी फिल्म चाहता है और मेरे हिसाब से अब तक जो करोड़ों दर्शकों ने देखा है वो इसी बात से ये साबित होता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जा करके उन्होंने उसके इसके लिए मुहिम खड़ी की है वो इसी साबित करता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। सुशांत सिंह राजपूत की आज तीसरी पुण्यतिथि, क्या कुछ कहिएगा? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हम उसको आज तक मिस करते हैं। जो भी उसके करीबी थे वो सब उसको बहुत याद करते हैं। सर आपने बिहार को ही क्यों चुना है यहाँ प्रमोशन के लिए? आप इससे पहले लखनऊ में थे शायद कल या परसों, तो आपके बहुत फैन है बिहार में, तो फिर इससे क्या आपका ताल्लुक है? क्या बिहार को आपने अपनी सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। अब इसके पहले मैं हैदराबाद में था, हैदराबाद से फिर हम लोग लखनऊ गए और लखनऊ के बाद फिर पटना आए हैं और आगे का प्लान है दिल्ली जाने का। दिल्ली हम दो बार जा चुके हैं इसके पहले और उसके बाद फिर प्लान है हमारा इंदौर भी जाने का। उस पर हम लोगों की पूरी मीटिंग चल रही है। इसलिए कि ओटीटी पे कोई भी फिल्म आती है जब पसंद की जाती है तो हम दर्शकों की इच्छा को देखते हैं। सर
हमें लगा कि दर्शकों की इच्छा ये है कि हम अलग अलग जा करके इस न सिर्फ इस फिल्म के बारे में बात करके करें, बल्कि जो लोग देख चुके हैं उनको भी एक मौका मिले हमसे आके बात करने का। मौर्या में 25 साल पहले आते थे, अब आते हैं, कैसा लगता है? पहले मैं बहुत जवान था, पहले मैं बहुत खा भी लेता था मीट भात, अब थोड़ा सा खा पाता हूँ। चूँकि आप पढ़े लिखे हैं तो मैं आपको बताऊँ, मैं कोई पेशा नहीं निभाता हूँ, मैं व्यक्ति का किरदार निभाता हूँ। वकील 50 तरीके के हो सकते हैं, 50 व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। इसमें मैंने सोलंकी नाम के व्यक्ति का किरदार निभाया है, जो पेशे से वकील है, और उस किरदार को लेके आने के लिए मुझे जो मशक्क़त करनी पड़ी वो उसी तरीके की मशक्क़त है जो बाकी फिल्मों में हम लोग करते हैं। किरदार को जीना सब बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि तैयारियाँ वो जैसे मैंने बेटा आपको यही बोला है कि साहित्य यही तैयारी हम सारी फिल्मों में करते हैं, उसमें कल्पना शक्ति होती है, उसमें आपका रिसर्च होता है, उसमें आपके अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, आप कैसे उस किरदार को देखते हैं ये होती है, वो किरदार बात कैसे करता है, वो चलता कैसे, वो खड़ा कैसे होता है, उसके अपने संबंध माता के साथ क्या है, बेटे के साथ क्या है, वो केस ले रहा है तो क्यों ले रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सोलंकी जो वकील है वो कोई ऐसे हीरो नहीं हैं जो डरते नहीं हैं, वो डरते भी हैं, सहमते भी हैं, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। एक ऐसा किरदार जो इस रूम में बैठे हुए हर व्यक्ति से मिलता जुलता हो, ऐसा बनाने का जिम्मा मैंने लिया था, और जिस तरीके से दर्शक इसको पसंद कर रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। जी मैं एक बार गया था, मैं नीतीश जी से भी मैं पहले बात कर चुका हूँ और तेजस्वी जी से भी बात किया है मैंने, और आशा करता हूँ कि जो फिल्म पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है उसको जितनी जल्दी हो सके कार्यान्वित किया जाए। एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार के कलाकार होने के नाते मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो, ताकि पॉलिसी आने के बाद सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग बिहार में आकर के शूटिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि किसी भी जगह जा कर के अगर दूर जाते हैं मुंबई शहर से तो खर्चे बहुत बढ़ते हैं, और उतना खर्चा हर फिल्म नहीं उठा पाता है, इसलिए वो अपने आसपास करते हैं या उस जगह जाते हैं स्क्रिप्ट के मुताबिक जो उस जगह पे उनको कोई सब्सिडी मिल रही या कोई उस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार की फिल्म पॉलिसी जल्द से जल्द कार्यान्वित हो, ताकि मुंबई इंडस्ट्री से बाकी सारी इंडस्ट्री से लोग आकर के इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग हो और लोकल लोगों को रोज़गार भी मिले। अरे कितना 3 साल से यही बात किए जा रहे हो आप, बिहार से रिलेटेड मनोज वाजपेयी है इसका, मैं यही बहुत बड़ा है। क्या जी मैं मतलब बहुत सारे सीन्स हैं इसमें, और दर्शक जिसको पसंद करता है वो हमारी पसंद हो जाती है, दर्शकों को लास्ट का जो क्लाइमेक्स है बहुत पसंद आ रहा है, दर्शकों को जो बच्ची है उसके साथ छत पे जो सीन है वो बहुत पसंद आ रहा है, दिनकर साहब की कविता को जिस तरीके से इस फिल्म में लाया गया है लोगों को वो पसंद आ रहा है, और लोगों को बहुत सारे जो आर्गुमेंट है कोर्ट में वो भी बहुत पसंद आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग देखिए, जितने भी पत्रकार बंधु हैं आप लोग जाके देखिए और आप लोग लिखिए, अच्छा रहेगा। आखिर में फिल्म का डायलॉग सफल रहे हैं, चर्चा है कि लोकसभा चुनाव भी आप बेटियां से लड़ेंगे? अरे हर बार ये चर्चा होती है, अब तो 30 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, हर बार जो विधानसभा में लोकसभा के चुनाव जब आने वाले होते हैं इस तरह की बातें होती हैं। मैं आज भी वहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं, यही बात आप कर रहे हैं उसका जवाब वही जवाब मैं दिए जा रहा हूँ। राजनीति में मैं कभी नहीं आऊँगा, ये 100% नहीं 200% मान लीजिए, इसके बाद कभी कृपया करके इस मुतालिक सवाल नहीं कीजिएगा। ओकरा खातिर पैसा लेनी बाबू, अब बड़ा पैसा लेनी हो। मनोज
पता नहीं देसी पना आप किसको कहते हैं, सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर देसी पना नहीं है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, मैं सोलंकी भी बहुत देसी है, वो कोई पश्चिमी सभ्यता का वाला लॉयर नहीं दिखता है, वो देसी लॉयर दिखता है। हाँ वो बिहार का नहीं है, वो राजस्थान का लॉयर है। लालू यादव से भी मिलने के लिए जाइएगा सर? नहीं अभी अभी समय नहीं है, अभी हम लोग इस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, लेकिन आपकी मुलाकात होगी तो नीतीश जी को और लालू जी सबको प्रणाम बोल दीजिए। सर इस फिल्म के बाद और कोई फिल्म है? इस फिल्म के बाद अगली कौन सी फिल्म आने वाली है दर्शकों के लिए कुछ उसका? इसके बाद मेरी सीरीज आएगी जिसका नाम है सूप, अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के जाने माने निर्देशक हैं, और वो मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में वो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, उसका इंतजार मुझे भी रहेगा। मतलब ये कहा जाए कि मनोज वाजपेयी को ओटीटी बहुत पसंद आ रहा है, जहाँ से काम मिल जाए वो जाए अच्छा लगे मुझे। इसमें पैसा ज्यादा है क्या? नेटफ्लिक्स वाला ना वो उतना पैसा नहीं है, ये एक लगातार काम मिलेगा। हाँ जब फिल्म लोग देख ले लस तो बात बुझाई लू लोग के कि वो तरह के कोनो बात नहीं है एक में, आ ना हमने के कबो हमने के कहले बन जाए कि हमने के केहू पर आधारित बटे, एक में हमने के लगे खाली सोलंकी जी के राइट रहे तो हमने हमार किरदार के नाम सोलंकी बा, बाकी सब कुछ अलग अलग जगह से प्रभावित बा, अलग अलग सच्ची घटना पर आधारित बा। देखिए मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ा तो नहीं था, एंड जब मैंने 18 साल की उम्र में घर छोड़ा था तो मैं हिंदी फिल्मों में जाना चाहता था, उसके बाद से आज तक मैं हिंदी फिल्मों में ही काम कर रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा वही लोग बता पाएंगे जो लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी व्यस्त रहे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, रवि किशन हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बिहार के होने के नाते और भोजपुरी बोलने वाले के नाते मैं चाहूँगा कि भोजपुरी में लगातार अच्छे अच्छे काम हो, अच्छी कहानियाँ लिखी जाएँ, अच्छी कविताएँ लिखी जाएँ, अच्छी फिल्में बने, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता। एक फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी कितना फीस लेते हैं? तारा से कम नहीं, खाली दही चूड़ा मिल जाए सवेरे बस वगैरह करोड़ों करोड़ लेते हैं। तो दही चूड़ा करोड़ में कहाँ आता है? सर फिल्म में तो आप जो रोल निभाए उसमें आपने पैसे नहीं लिए, जो वकील आप जो किए हैं, जो फिल्म लड़े हैं उसमें पैसे नहीं। मेरे पैसे में आप लोगों की इतनी रुचि क्यों बढ़ गई? क्यों दूसरी शादी करना चाह रहे हैं क्या मेरी आप? सबसे बढ़िया हीरोइन कौन लगता है मुझे? इस बात पर ना जवाब देने का, काल तोने के लगवा जा घुमाओ। नमस्ते 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 सर, आपने एक छोटे से वकील की भूमिका की है जो मात्र 6 साल में ही इस केस को जीत जाते हैं, आप भारत के वकीलों को क्या राय देना चाहेंगे? मैं कोई राय नहीं देना चाहूँगा, मैंने तो उनसे ही सीख करके ये किरदार निभाया है जो देखा है, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं और सबका पेशा अलग है, वो लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ सोलंकी के तरीके के वकील हजारों वकील हैं इस देश में, तभी तो लोगों को न्याय मिल पाता है। लोग लड़ना नहीं चाहते या न्याय मिलने में देरी होती है, इसका तो पता नहीं। जो युवा फिल्मों में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? ड्रामा में जाएंगे या फिल्मों में जाएंगे? इंस्टाग्राम देखना छोड़ करके नाटक और रंगमंच करना शुरू करें पहले। थैंक यू मनोज, थैंक यू। ये आप राजनीति में जाने का इरादा रखते हैं? जवाब 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 नहीं जाएंगे।